सा? मथुरा पेड़ा, स्पेशल मथुरा पेड़ा बनाते हैं। मथुरा पेड़ा, हाँ, खोए का होता है, खोए को भून के बनाते हैं। बल्कि फिर घूमते फिर लुधियाने से भी आगे चले गए थे तो जलंधर। जलंधर, जलंधर। हाय गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा साथ क्या बताएं, स्कैम हो गया। स्कैम क्या, हमारी प्लानिंग थी जाने की पौंटा शॉप मेरी और अभिषेक की, बट भैया का कॉल आ गया अभिषेक के पापा की, कहते इनको जाना हो गया काम से, इनकी गाड़ी होगी ख़राब, और हमारा प्रोग्राम कर दिया उन्होंने चौपट। अब जा रहे हम इनके साथ, भैया खुद मैकेनिक हैं बट गाड़ी ख़राब कर दी इन्होंने, बताओ अब हम क्या उम्मीद करेंगे इनसे, हमारी गाड़ी ठीक करेंगे? हम जैसे बोल लेते तो बात अलग थी, गाड़ी ख़राब होगी भाई, भैया खुद बोल रहे हैं ऐसे। क्यों भैया? ठीक है भाई। क्यों? ठीक है तेरी बात। नहीं, बात तो ठीक है, तो आप और गाड़ी कैसे ठीक करते हो जब आप अपनी तो करते नहीं? अपने नहीं होती बड़ा काम। क्यों? तो हो जाता है दूसरा। क्यों अपना? क्यों नहीं अपना, तो इसीलिए अपना कहाँ होता है, अपने के लिए तो टाइम ही नहीं होता। टाइम नहीं होता फिर आप बता भी नहीं रहे कि चल किस साइड रहे हैं अब यहाँ से, ये तो बता दो किस तरफ मुड़ना मुझे। वो तो अंबाले की तरफ मुड़ना है। अंबाले की तरफ? ये नहीं बताओगे? ना, जाके पता लग जाएगा। चलो देखते हैं गाइस, आप पूछ भी नहीं सकते, हम बड़े भाई हैं, बात मानेंगे, जिधर कहेंगे मुड़ते कहेंगे। थैंक यू, फुल करा दी, अब ले चलो जहाँ चल रहा है। तो भैया अंबाला पहुंच गया, बोलो आप, आपने कहा था अंबाला, चलो अंबाला तो पहुंच गए, अब आगे बताओ किस तरफ मुड़ना है, जल्दी बोलो कि मोड़ आ गया। अब दिल्ली की तरफ चलते हैं। किस तरफ? दिल्ली तक, दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ हमें सामान लेने जाना है, नहीं तो दिल्ली की तरफ ही चलते हैं या फिर लुधियाना की तरफ। आप जिधर कहोगे उधर चल लेंगे भैया, माइंड सेट करो, आप तो आज मजे ले रहे हो हमारे, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। चलो लुधियाने की तरफ ही चलते हैं फिर आज, और दिल्ली छोड़ो। पक्का फाइनल देख लो, अभी मैं फिर उधर दे रहा हूं। फाइनल फाइनल फाइनल। ये लो जी, मैंने मोड़ दिया इसकी तरफ, फाइनल अब मैंने मोड़ दी लुधियाना की तरफ। लुधियाना से आगे भी जाना है, लुधियाना जाके बताओगे वो भी? अब तो बता दो भैया, लुधियाना जाके देखते हैं ना, सामान मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर होगा आगे चलेंगे किधर ही। अपने भैया सामान नहीं लेना, अपने मजे करने हैं। मुझे लग रहा है हमारी प्लानिंग बर्दाश्त नहीं है। नहीं 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 है? ना। नहीं, क्योंकि ये तो अगर आपको सामान कभी आप कहते दिल्ली से लेना, कभी आप कह रहे हो कुछ भी। चलो लुधियाना चलते हैं अभी। लुधियाना चलो ठीक है, मैंने ये तो गाइस के लिए कर दी। पटिया अभी देख लो, लुधियाना जाना है या पटियाला जाना है? लुधियाना, लुधियाना। गाइस भैया ने अभी हमारे को आज पूरा दिन घुमा दिया, पर ये नहीं बताया कि लेके कहाँ जा रहे हैं, अभी भी ये सरप्राइज कर रहे हैं, और भूख लग रही है, पूरा दिन हुआ घूमते हुए, आप यकीन नहीं करोगे, हम घूमते घूमते लुधियाना से वापस जलंधर, जलंधर से फिर लेके आ गए, अभी हम खन्ना खड़े हैं, खन्ना यहाँ पे, खन्ना लेकर के आ गए, अभी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या खिलाएँगे, क्या खाएँ भैया, भूख लगी भैया, अभी खिला दो, उसके बाद पूरी रात घुमाना चाहे जो खाना खा लो। बीकानेर पे आ गए हम, तो बीकानेर स्वीट्स खन्ना में आए। अच्छा, तो क्या लेंगे अब बताओ? देखो आप बताओ क्या लोगे। क्या लोगे आप? रसमलाई? मैं तो रसमलाई। अभिषेक क्या लोगे? देख सोचो जल्दी, कंफ्यूजन हो रही है अब तो। कंफ्यूजन तुझे देख के, काफी चीजें देख के मेरा मन भटक गया। हाँ जी, मेरा फोन आ गया। क्या बोलते हैं इसको, चाइना टोस्ट? चाइना टोस्ट। तो गाइस ये है चाइना टोस्ट एंड रसमलाई, अभी टेस्ट आपको भी बता रहे हैं,
तो गाइज अभी हमने रसमलाई एंड आइटम का नाम भूल जाते हैं, चाइना टोस्ट ले लिया। अभी इसका मन कर गया मंचूरियन का, तो हमने एक मंचूरियन ऑर्डर किया और खाते हैं, फिर निकलना हमें जल्दी से। भैया तो बस आज भैया अभी भी नहीं बता रहे हमारा सरप्राइज क्या है। भैया बता दो लेके किधर जा, बता दो अभी भी, अब तो बहुत हो गया भैया, पूरा बता दो प्लीज। आधा घंटा हो तो पता ही लग जाएगा, आधा घंटा। चलो हम तो रुके हैं, हमें क्या, हम जब सुबह से रुके हैं तो अभी भी रुके रहे हैं, क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट बाद तो भैया 15 मिनट बाद हमें बताने वाले हैं कि सरप्राइज क्या है, वो देखते हैं। सुबह से एक लगभग 2 बजे से हमें इन्होंने बताया हुआ है कि लेके चलो चलो चलो, कहाँ लेके जा रही है नहीं क्लियर किया, बट ये बोलते हैं चलो चलो चलो, आगे चलो और आगे चलो। तो अभी से कुछ आइडिया है तुम्हारे दिमाग में कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं पता, मैं अभी आपके साथ ही फिर रहा हूँ सुबह से। नहीं देख लो कुछ आइडिया, कुछ नहीं पता क्या होगा, पापा को ज़्यादा जानते होंगे बस पता नहीं। तो क्या किया जाए अभी यार, आपके लिए गर्मा गर्म मंचूरियन, और फिर बताते हैं उसका टेस्ट क्या है, क्या होगा। वो माइक के नीचे गई, माइक के ऊपर के जो कवर होता है वो गिर गया था अभिषेक से, इसने बहुत की कोशिश की बट इसको एक कार की सीट के नीचे से माइक का वो नहीं मिला। अब तुम देखते हैं क्या करेगा, बताइए आप ही क्या करोगे आप। अब गाड़ी की सीट उतारेंगे जाके, फिर देखेंगे। वैसे भैया साथ है गाड़ी मैकेनिक, साथ है हमारे खुद के, इनसे डर तो लगता है, इनको हमने बताया नहीं गाड़ी का हमारा माइक का वो गुम हो गया, वो तो कल सीटें सीटें उतार के साइड में रख देते और हमारे लिए हो जाती परेशानी। गाइस आ चुका है मंचूरियन, टेस्ट देखिए आप मंचूरियन का क्या है। तो सर बड़ा मज़ा आया, उसके लिए स्पेशल थैंक्स कर रहा हूँ आपको मैं, खाने में बड़ा एंड सर्विस आपकी बहुत अच्छी थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, अगर वो कभी लुधियाना या अमृतसर साइड जा रहे हो तो खन्ना स्वीट्स बीकानेर पे ज़रूर रुकें। इनका है एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, ओल्ड बस स्टैंड जीटी रोड खन्ना। बहुत मज़ा आया गाइस, तो सर थैंक यू स्पेशल, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारे बीकानेर पर आने पर, हमारे यहाँ पर साफ सफाई दुकान में बहुत रहते थे और क्वालिटी के बारे में बहुत अच्छा है, थैंक्स। तो गाइस बड़ा मज़ा आया, फिर हमने इनसे इनकी मिठाई गए, हम अपने आप को रोक नहीं पाए, तो हमने अभी एक आइटम पैक कराई है। जो आइटम पैक हुई उसका नाम क्या है? मथुरा पेड़ा है। कौन सा? मथुरा पेड़ा, स्पेशल मथुरा पेड़ा बनाते हैं। मथुरा पेड़ा, हाँ, खोए का होता है, खोए को भून के बनाते हैं। हम रोक नहीं पाए अपनी मिठाई देख करके, अभी टेस्ट उसका भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है भाई, तब तक मिलते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। भैया ने अभी हमारा यही नहीं बता रहे लेके कहाँ जा रहे हैं, सुबह से घुमाए जा रहे हैं। फ़ोन ले लिए तो गाइज बड़ा मज़ा आया बीकानेर मिष्ठान भंडार खन्ना, ओल्ड रोड खन्ना, ओल्ड बस स्टैंड रोड खन्ना। चले अभिषेक, में ऊपर चढ़ना पड़ेगा? नहीं ऊपर तो चढ़ जाएंगे साइड करते हैं ना, चलिए हो गए। तो गाइज हमारे लिए आज बहुत बड़ा पेशेंस हमने रखा हुआ, सुबह से घूम रहे हम, बट ये बता नहीं रहे अभी भी कि लेके कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। ये देखो अभी भी ये बोले जा रहे हैं कि सरप्राइज, बता दो भैया, बता रहे हैं, चलो चलें भी कहीं, बता दो आपने सुबह से ऐसे घुमाए जा रहे हो पर बता रहे नहीं अभी भी। रोड पे तो चढ़ो फिर, बट अब ये यार फिर मैं थैंक्स करता हूँ कि अब कुछ खिला दिया, नहीं तो सुबह से हमें खाने से भी रोक रहे थे। अभी चलो 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 करके पूरा पंजाब घुमा दिया आपने,
बट अभिषेक अब तो चीख निकल गई थी ना भूख से। हाँ जी हाँ। बड़ी मुश्किल से बोलो लाइट ऑन कर लो, आपके ऊपर लाइट है। बताओ फिर क्या किया जाए, अभी माने पापा की बात या ना माने आप बताओ। अब तो बहुत होगी, माननी पड़ेगी तो चले बता दो भैया प्लीज। हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं। अभी से एक पाँच हो फिर तो बता दे सर। नहीं नहीं 15 मिनट की बात है, 15 मिनट बाद बता दोगे पक्का। तो गाइज हम तो सुबह से घूम रहे हैं, 15 मिनट आप और वेट कर लीजिए फिर दिखाते हैं लेके कहाँ जा रहे हैं आज भैया। काफी मशक्कत के बाद भैया हमें लेके पहुँच तो गए, अब ये नहीं पता कहाँ पे देखते हैं। और क्या बना रहे बस कहीं हिंदी अपना रहा और क्या करना तो बहुत पहले से हमने सोचा था, हमें जब हम छोटे होते थे ना तब पता चला था आपके बारे में, तो मैंने कभी देखा नहीं आपको ना कुछ हुआ, तो इच्छा थी कभी ना कभी जिंदगी में एक बार जरूर मिलना। फिर मेरे को एक बार जो ऑयल सेक्टर खोला था उसके पास जा रहा था तब भी बात चली। हरिए अच्छा अच्छा बब्बू के भाई ने बब्बू के हाँ जी भाई राजस्थान गुजरात देखा कभी ना कुछ इच्छा थी एक बार की मिल के आना जिंदगी में जब बाई का भोग था 2019 की बात है। हाँ 19 की शुरुआत ही यार, क्योंकि 30 दिसंबर का भोग था भाई का जो था उसमें गया था मैं। तो एक दिन कह रहे यार इस तरह मैं चल मैं तुम मिला कर लूंगा, फिर आज हम इधर आए थे लुधियाना। अच्छा जी लुधियाना क्या बस वैसे घूम रहे सुबह के मेरे के मैं चल आज मिलाएंगे, फिर आपका नंबर नहीं मिला। नहीं नंबर तो मेरे दोनों चलते हैं। नहीं एक ही था ना नंबर मिला तो फिर वो मिला आपने उठाया नहीं, फिर मैंने 20-25 मिनट बाद दोबारा मंगा उस टाइम आरती का टाइम था ना कर रहे हो बिल्कुल अभी रहने दे कई बार आरती हो तो टाइम वो आरती पूजा भी था मैं अच्छा। जो तो लगा करके वो फिर बैठ जल्दी होते हैं करके तो जैसे ही मैं उधर आया तो दोबारा फिर फोन आ गया अब तो नजदीक आ गए वैसे मैं काफी दूर थे पर मानू लग रहे हो खन्ने के नजदीक आ गए हैं काफी दूर थे बहुत दूर है जी लुधियाना तो 60 किलोमीटर तो लुधियाना ही है उधर पे 60-65 जो है बल्कि फिर घूमते फिर लुधियाना से भी आगे चले गए थे तो जलंधर पहुंच गए थे तुम क्या घूमते फिर जलंधर बस यार ऐसे पहले थे ना पहले भी क्या बस वैसे ही नहीं वैसे कोई काम तो हो गई काम तो खैर कोई ज्यादा खास नहीं था मिल रहा था भी आपको अच्छा फोन आपका लग नहीं रहा था फिर क्या करते नहीं तो है नहीं चलो तो चले जाएंगे आप क्या तो भैया ने बताया नहीं हमें सुबह से आप देखते हैं कह रहे चलो लेके चलेंगे मैंने को बोला था कि जब भी लेके चलोगे ना चलना मगर चला जब सरप्राइज देते हैं तुमको अच्छा जी और इन्होंने बताया ना अभी आपके पास लेके आना इन्होंने हमें बताया नहीं अभी यहाँ बीकानेर में भी खिला दिया उसके बाद भी नहीं बता रहे थे भैया ने पहुँचा दिया हमें बड़ा अच्छा लगा फिर अब लगे जिस टाइम का फोन मेरे ख्याल 7 बजे करीब 7 बजे चला फिर पता लग ही जाएगा अच्छा नंबर भी आप मेरे पास तो है नहीं था नंबर लिया मैंने उससे उससे चांदनी से रिंकू से खैर नंबर तो दे दो महात्मा जी का तो कह रहे चल भाई स्वामी जी का नंबर कहाँ दे दूंगा फिर उसने दिया आपका तो गाइस देखो ये बाबा जी हैं कभी हमारे बड़े भाई हुआ करते थे कैसे जिंदगी को तब्दील कर दिया भाई से बाबा में महान है वाकई मैंने भैया को बोला था मैंने कहा हमारे परिवार से कितने महान आदमी अगर कोई है तो मैं जिंदगी में जरूर मिलना चाहूंगा क्योंकि सब कुछ तपस्या करना छोड़ना ना बहुत मुश्किल है नहीं,
अब देखो हम बैठे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ जी चलो घर जाएंगे, मतलब होता है ना एक बटा। आप देखो ये जो संत लाइन है ना, हर किसी की किस्मत नहीं होती। बिल्कुल सही। ये एक पूर्व जन्म के कर्मों का, जब कोई पुण्य उदय होता है ना व्यक्ति का, तब संत बनता है। हर किसी के बस की लाइन नहीं है, हर कोई इसको लुभा भी नहीं सकता, क्योंकि जो कोई किसी कमी की वजह से संत लाइन के अंदर आता ना, वो तो कभी भी मान ले भक्ति कर ही नहीं सकता। जिस दिन उसकी वो कमी पूरी होगी तो समझो उसी दिन वो लाइन छोड़ देगी। अपना लक्ष्य जो था कि केवल से केवल माल्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही अपन संन्यास लिया, और आज भी अपन उसी अपने रास्ते में। तो आपको कभी लगता है कि आपने संन्यास लेकर ही गलती की? मतलब कुछ है पूरे हैं कभी हमें तो पता ही नहीं लगे, अभी 20-21 साल भी लंगे संन्यास लिया। कभी याद आती हो घर के? किसी की नहीं याद आती, याद क्यों आएगी किसी की, कोई है ही नहीं अपना। सभी पूरी दुनिया अपनी है और पूरी दुनिया पर है। ऐसा है संत लाइन के अंदर, ये पहली हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, वो एक हवा का झोंका है, जिस तरफ रुख हुआ उस तरफ चल रही। हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, कितना जाने हवा हमको किधर ले जाए। ये अगर कोई संत बन करके संस्कृत के अंदर श्लोक है, विषया सकल चित्तौर यदि मोक्षम नहि विदन्ति, अगर किसी संत का, किसी भक्त का अगर मन किसी भी विषय में लग गया तो वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर ध्यान के बारे लिखा है कि अवेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना स्नानम मन मंत्र निग्रह। परमात्मा हमारे लिए अवेद है, हम परमात्मा को जानते नहीं, संसार को जानते हैं। अब किसी माने जो अवेद है उसको जानना है, उसको कैसे जानोगे आप? उसको जानोगे ध्यान से। ध्यान कब लगेगा? जब मन में से विषय निकल जाएगा। अगर मन के अंदर कोई विषय है तो फिर ध्यान कैसे लगेगा आपका, बताओ? ठीक है, अगर मन में तो संसार पर अपड़ा है, ये फलाना है, जी ढकाना है, जी ये है, जी वो है, तो भक्ति कैसे करोगे आप? अब हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, बंधु ही कोई विषय अनुरागी। बंधा हुआ कौन है? जो विषय में सक्त है। मुक्त कौन है? जो विषय से विरक्त है। हमारे ऊपर किसी को कोई विषय नहीं है। ये देख लो नारायणगढ़ भी रहते रहे, पर जब से गांव छोड़ा है, गांव की हद में पैर नहीं रखा अपा ने, गांव में गए नहीं वापस। ये भी तो मन है। एज कितने हुई आपको? एज तो जो 43 के आसपास है। नहीं 42-43 ही रही थी। पुराने जो रिकॉर्ड लिखे है ना कागजा में, गड़बड़ ढाले वाले समझ गए। 16 साल का व्यक्ति 10वीं नहीं कर सकता, मेरी 10वीं करी है 16 साल की, ये देख लो आप, कभी फेल नहीं हुए। पढ़ाई तो आपने बहुत टाइम में करी है। हाँ, आपके विचार कैसे आ रहे हैं स्टार्टिंग में? मन में भाई तो बचपन के रंग है, ये चीजें पढ़ाई में लिए जो किसने किस लाइन के ऊपर जाना होता ना, एम था कल एक नहीं, परमात्मा अपने आप ही लिया देता है उसको बात नहीं। ये देखो ना माले, परमात्मा की बात आना ये सारी, कोई बंदा ऐ है जो कहे कि हाँ अभी मैं जान बोझ कर क्या बनवा पा लू। एक किस्म से आप ये देखो भी, घर में रहते थे, घर में सब कुछ पता था, अभी यहाँ इतना अपना खाना दाना है, इतना पहनना है, इतनी मौज मस्ती है, अगर कोई सुख दुख लग जाएगा तो घर बड़े हैं सामने बड़े। अरे इसमें ना पैसे का है कोई चक्कर, ना यूं भी रात कहाँ रहेंगे, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, जब तक कहाँ रहना पड़ जाए होता ना।
वो सारी चीजा छोड़ दी अपने गीता में लिखा है कि सर अवसर पत्र जय मां एकम सर नंबर जब व्यक्ति ने कृष्ण भगवान कहता है कि अर्जुन को सारे प्रकार की बातें छोड़ करके मेरी सामने आ जा तेरे को मोक्ष में दूंगा। तो ये चीज है एक गिलास खाली दे देना क्योंकि चाय रामदास भी ले लिया हर से काम आ जा रामदास उदय आ जा ले लो जी चाय ना ना जी आ जा बाबा आ जा बेटा ऐसे कहीं नहीं कोई नहीं आ तो जाओ अंदर टेलीफोन वगैरह से आ गया बोले तो मैं तुम्हारा सा काम कर दो फिर ना रोटी ना बनाइयो जी ऐसा है सब कुछ तैयार है आटा आटा बनया पड़ा है ठीक है कोई चक्कर नहीं कोई दिक्कत नहीं पूरे भी सोना ही है जैसे घर में सारी सुख सुविधा रखनी पड़ती है ना जी उसी तरीके से आश्रम में भी पूरी सुख सुविधा रखनी पड़ती है पूरी हमारे पास तो साधु वापी रहते उधर में तो फोन करते आएगा कोई भी आएगा यहाँ तो कई बार वैसे भी यहाँ तो कैसे कोई आएगा कोई आए कोई जाए देखो जेड़ा मैंने खाना पीना है ना कोई किसी को कुछ खिला सकता है ना कुछ खिला सकता है व्यक्ति का अपना प्रारंभ है अगर किस्मत में ना हो ना कुछ सामने रखे लोग भी नहीं खा सकते अपना हुक्म नहीं होता तोड़ने बूटी भी तोड़ ले बंदा ठीक ठाक है कहने गया हाँ ठीक है वधिया है मैं घूरती तो नहीं है कहीं कहता क्या बात मैं मैं पता लग गया अजकल जनानियां जो है ना पहला पूछती हैं भी कै रोटियां खानियां तै शहर वाले पूछती होंगी ना और नहीं तो जो कोई रिश्तेदार आ जाए तो कहते कम से कम बाहर ही नहीं मंगा लेते हैं खाना आप कौन बनाएगा कह लगे हाँ ये तो आज चल ही रहा कहता ठीक गाइस बज चुके हैं 11 रात के अभी भैया ने मिलवाई दिया एक्चुअली जिनसे हम मिले थे वो एक बाबा बन गए हैं सन्यासी हो चुके हैं सन्यास ले लिया उन्होंने बट वो हमारे परिवार से थे भैया के साथ पढ़े थे तो भैया ने सरप्राइज मिलाया मेरी इच्छा भी थी उनसे मिलने की कभी जिंदगी उनसे जरूर मिलना की हमने देखा नहीं था मैंने उसको कभी पहले अभिषेक देखा था हमने पहले कभी कहाँ पे अच्छा वैसे बट मैंने सुना था मैंने देखा नहीं था क्योंकि जहाँ के हम पहले जो मेरा गांव था बर्थ प्लेस था संगरानी गांव से वहाँ के ये रहने वाले थे मतलब मैं वहाँ रहता था पहले फिर हम वहाँ से मूव हो गए थे
बट ये वहीं से इन्होंने, मैंने सुना था कि 15-20 साल पहले संन्यास ले लिया था, मैंने सुना था घर वालों से और किसी से सुनते थे, बट मेरी इच्छा थी कभी जिंदगी में एक बार इनको जरूर मिलूंगा और वो मैं आज मिल लिया। भैया ने मुझे सरप्राइज मिला है उनसे, बट पहले मैंने इनको बोला था कि कभी होगा तो मिलवाएंगे, आज इन्होंने मुझे बताया कि आप मिलेंगे और बड़ा अच्छा लगा। बाय, थैंक यू।